आपको कौन सा बिस्किट पसंद है, ब्रिटानिया का गुड डे या फिर अमूल का बिस्किट? आप सोचो इन दोनों कंपनियों में अगर लड़ाई हो जाए तो, और लड़ाई छोड़ो इनके बीच तो लड़ाई हो चुकी है। देखो जी, अमूल का बढ़िया काम चल रहा था, बटर का काम बढ़िया चल रहा है, मिल्क का काम बढ़िया चल रहा है, और उसने कहा एक काम करो जब सब बढ़िया चल रहा है तो बटर की बिस्किट ही बना डाले। लेकिन ऐसे कैसे बना दे, वहां पे तो ब्रिटानिया ऑलरेडी गुड डे लेके बैठा है और बटर की बिस्किट के नाम से फेमस है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले चलो उसकी थोड़ी सी बुराई कर देते। उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम में ली और ऐड किया कि देखो जी गुड डे का नाम नहीं लिया, बोले यार देखो ये बिस्किट में 0.3 से लेके 3% तक का ही तो बटर है, खुद को बटर बिस्किट कहते हैं, हमको देखो हमारे बिस्किट में तो 25% से भी ज्यादा बटर होता है। ब्रिटानिया बोले हमको बदनाम कर डाले, हम तुझे बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे 25% बटर ज्यादा होता है तो क्या हुआ भैया, कोलेस्ट्रॉल भी तो 7% ज्यादा है, तुम्हारे बिस्किट खा के तो आदमी बीमार हो जाएगा। और इनफैक्ट ब्रिटानिया ने एक लाइन और निकाल दी कि टू मच बटर इज नॉट ऑलवेज बेटर। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उस लड़ाई का मजा जनता ने भी लिया। अब इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा ये तो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, लेकिन मार्केटिंग तो भैया दोनों की होगी।